बुलंदशहर में धारा 144 को देखते हुए हर अधिकारी गांव शहर गली गली घूमते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 144 पर प्रशासन सख्त से सख्त नजर आ रहा है। सिकंदराबाद सीओ एसडीएम महोदय ककोर थाना इंचार्ज राजपाल सिंह तोमर भारी पुलिस के साथ गांव गांव शहर शहर हर गली चौराहे पर अधिकारी नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सर, धारा 144 लगी हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धारा 144 का ये अभिप्राय है कि कोई भी जो है भीड़ जो है अनावश्यक रूप से इकट्ठी नहीं होगी और लोग जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अग्निपथ जो स्कीम है रक्षा मंत्रालय की, उसके अफवाहों से जो है लोगों को बचने के लिए भी हम लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि प्रेरित करें कि इन सब अफवाहों से बचें और आप अपना जो काम करें वो काम करें। ये सरकार की नीति है और इसमें जो भी विचार होगा वो सरकार करेगी और आप जो है यदि आपको कोई विरोध है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से आप वो हमें बता देंगे। और अच्छा, कोई भी इसमें जो है हिंसक और अनावश्यक जो है अवैध कार्यों में लिप्त ना हो। अच्छा सर, जैसे कि आप रनिंग पे हैं तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहीं उपद्रवी लोग आपको या किसी प्रकार का असमय लोग आपको मिले? नहीं नहीं, अभी तक तो हमारे क्षेत्र में ऐसे कोई नहीं मिला है नहीं। और यदि उनको समझाया बुझाया जा रहा है, यदि फिर भी कोई नहीं मानता है तो फिर विधि के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। अच्छा सर, जैसे कि कुछ उपद्रवी लोग हैं ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे नेट के जरिए जो उल्टे सीधे वो डालते हैं मैसेज, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। जो साइबर सेल है डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी लगातार इसको जो है मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे कोई भी तत्व यदि इसमें लिप्त पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो भी सुसंगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए, मैं सतीश कुमार गौड़।